चलिए देखते हैं धारावी रूट। ये धारावी का रास्ता है और चलिए चलते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा रास्ता है। अभी काम चल रहा है मेट्रो का, आप देख सकते हैं। ये देखिए और पहुंचने वाले हैं। ये पूरे महिम धारावी में आता है। धारावी में लोग अक्सर अपना काम करते हैं, खुद का लेदर्स का शू, बैग, कपड़े इत्यादि कई प्रकार का काम करते हैं लोग। और उनका जो प्रोडक्ट होता है नेशनल इंटरनेशनल विदेशों में भी निर्यात आयात किया जाता है। ये देखिए ये मार्केट है मुंबई 17। और बिल्कुल अब नज़दीक आ गया हूँ। मुंबई धारावी ये सलम एरिया है। यहाँ लगभग 1 किलोमीटर में लाखों लोग रहता है, लाखों लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। कई सकरा इलाका है बट धारावी सलम एरिया एक फेमस एरिया है। यहाँ लोग आते हैं घूमने के लिए और यहाँ आप देख सकते हैं कई प्रकार के वेज नॉन वेज बनाया जाता है, ऑर्डर लिया जाता है। और ये इधर आप अपार्टमेंट्स फ्लैट घर देख सकते हैं। और इसके जस्ट ऑपोजिट आप देखेंगे कि धारावी के जो यू कैन से झोपड़पट्टी सलम एरिया में लोग किस तरह रहते हैं। देखिए ये देखिए बाहर गैलन पानी भरने के डब्बा इत्यादि सब रखे हुए हैं और बाहर में ही कपड़े धोते हैं। ये देखिए सीढ़ी है, ये सेकंड फ्लोर भी है, दूसरे छत भी है। ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से लोग रहते हैं धारावी में। बहुत प्रकार के कई तरह का लोग रहते हैं, कई तरह का लोग, सभी प्रकार के लोग धारावी में पाए जाएंगे। और कई तरह का चीज़ें भी यहाँ पर खाने पीने का और हमारे ज़रूरतमंद चीज़ों का यहाँ पर बनाया जाता है। ये आप देखिए देख सकते हैं। ये देखिए कैसे लोग रहते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं इनके सीढ़ी घर। यह बहुत ही सलम एरिया और बहुत लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।